नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा, बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं चिरकुंडा में, चिरकुंडा नगर परिषद के 2 नंबर वार्ड में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का आयोजन किया गया है। यहां पे चिरकुंडा नगर परिषद के कई अधिकारी मौजूद हैं। आइए उन अधिकारियों से बात करते हैं कि चिरकुंडा नगर परिषद के 2 नंबर वार्ड के लोगों को आप लोगों ने क्या क्या सुविधा दिया, आइए बात करते हैं। सर, मैं कहाँ तक लोगों को आपने लाभ दिया? यहाँ पे आपको जैसे पता है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और हमारे चिरकुंडा नगर परिषद के अंतर्गत 21 वार्ड है। सारे वार्ड में एक दिन का शिविर का आयोजन किया जाना है, जो जिला प्रशासन के ज्वाइंट ऑर्डर के अनुसार। तो वार्ड नंबर 2 में हम एक दिन पहले भी यहाँ पे आयोजन किए थे, पर बहुत सारे लाभुकों को उस चीज से लाभान्वित नहीं हो पाए थे, तो उनके लिए हम लोग, और कुछ त्रुटि भी रह गई थी व्यवस्था में, तो उन सब चीजों को दुरुस्त करते हुए हम पुनर्आयोजन किए हैं। और आज भी बहुत सारे विभाग से लोग आए, उनसे संबंधित जो भी चीजें थी उनका निष्पादन किया गया, और अभी भी चल ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा राष्ट्रीय जी। आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार में कई अधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि ये लोग क्या सेवा दे रहे हैं, क्या सेवा दे रहे हैं। सर, हम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार के तहत ऋण कौशल विकास केंद्र, इन सब की सुविधाएं दिलवाना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो बेघर लोग हैं, जो जिनका जो दूसरी जगह पर रहते हैं, उनके लिए चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आश्रय गृह है, वहां पर जाकर के भी वो इस ठंड के मौसम में फ्री में सेवा ले सकते हैं, वहां पर सारी चीजों की सुविधा है। धन्यवाद। चिरकुंडा नगर परिषद के 2 नंबर वार्ड के पार्षद से आइए बात करते हैं कि आज दूसरी बार लगा है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आज क्या ये संतुष्ट है, आइए बात करें। क्या सर, संतुष्ट है आज? देखिए, मैं इस कैंप से, आज के कैंप से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। 25 तारीख को आनन फानन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा आयोजित की गई, बहुत सारे लाभुक आए, जिसमें अंचल से आए हुए कर्मी अपना काम संतोषजनक रूप से किया। मेडिकल टीम, आंगनबाड़ी वगैरह, CDPO वगैरह जो होता है, बिजली विभाग, बहुत पूर्ण तरीके से शनिवार को 25 को काम किया। मुख्य जो है, अभी जनता को राशन चाहिए, तो राशन से संबंधित नाम चढ़ाना, जोड़ना मुख्य काम था। इसमें काफी भीड़ हो गई, और राशन खाद्य आपूर्ति विभाग से एक भी पदाधिकारी 25 तारीख को कैंप में नहीं पहुंचे। हम तो उपायुक्त महोदय से निवेदन करते हैं कि बहुत ही अच्छे एनर्जेटिक हमारे भी IAS हैं, जो अभी वर्तमान उपायुक्त हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि श्रीमान चिरकुंडा नगर परिषद में जरूर गाहे बगाहे विजिट कर लिया कीजिए, यहाँ बहुत ही गड़बड़ है। मैं उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ, ऑन स्पॉट ऑनलाइन व्यवस्था भी होना चाहिए, ताकि जनता को सारी सुविधा एक ही छत के नीचे मिल जाए, जो भटकना ना पड़े। आपने सुना कि चिरकुंडा नगर परिषद के 2 नंबर वार्ड के पार्षद अरुण कुमार जी संतुष्ट हैं सभी कार्य से, और एक ही इनका डिमांड है बाबा राष्ट्रीय न्यूज के माध्यम से कि ऑनलाइन की व्यवस्था आपकी योजना आपके सरकार में होनी चाहिए। आज बहुत हद तक तो संतुष्टि दिखाया है जनता के बीच में। पिछले 25 तारीख को हम यहाँ पर उपस्थित थे, यहाँ पर नगर परिषद के द्वारा जो भी व्यवस्था किया गया था, उस व्यवस्था से लोग कुछ असंतुष्ट थे वहाँ उस दिन, और उच्च अधिकारी उस दिन नहीं रहने के कारण ऐसी व्यवस्था थी जिसको हमको भी महसूस हुआ था। आज सभी उच्च अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, और सभी लोग यहाँ पर जो भी आए अपना सारा काम कर गए हैं। एक जो जन प्रणाली जो वितरण प्रणाली का मामला है, उसमें है असंतुष्टि लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग उसमें वापस भी लौट के गए हैं। ऑनलाइन का उसमें असुविधा है सरकार के, और इन लोगों के बीच में क्या कंडीशन है अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। हम लोग खुद सरकार में हैं, इस विषय को उस दिन भी उठाए थे, आज फिर हम इस विषय को उठा रहे हैं, और हम लोग इस विषय में बात करेंगे। यहाँ उच्च अधिकारी के लोग आए हुए हैं, जन वितरण प्रणाली के भी हैं, और यहाँ नगर परिषद के भी हैं, और उसको जब क्लियर हो जाएगा तो उस विषय में भी हम बात को रखेंगे। बिट्टू मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। धन्यवाद सर बाबा।
और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।